हेलो रिवन इस वीडियो में हम आपकी वेव एंड ऑप्टिक्स पार्ट टू बुक का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स मेथड्स इन पैरेक्सियल ऑप्टिक्स तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैट्रिसिस के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैट्रिस होती क्या है ठीक है कहीं वर्ड होगा मैट्रिक्स कहीं वर्ड होगा मैट्रिसिस मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स जो वर्ड होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है मतलब सिंगुलर के लिए मतलब कि जब एक ही मैट्रिक्स हो उसके लिए हम मैट्रिक्स यूज करते हैं और जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो तो उन उनके लिए हम मैट्रिस वर्ड यूज़ करते हैं जो कि मैट्रिक्स का प्लूरल है ठीक है तो हम जानते हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स या फिर जो मैट्रिस है वो क्या होती हैं ठीक है थीके? तो मैट्रिक्स क्या होती है एक सिस्टम होता है एम क्रॉस एन नंबर्स का ठीक है एम क्रॉस एन नंबर्स का एक सिस्टम होता है जिसको हमने एम रोज और एन कॉलम्स में अरेंज किया है फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी एक मैट्रिक्स है ठीक है मैट्रिक्स को हम स्केयर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ये स्केयर ब्रैकेट है और इसमें जो ये ए बी सी डी ई एफ ये क्या है एलिमेंट्स हैं ठीक है ये क्या है एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स को हमने कैसे अरेंज किया है रोज़ में ठीक है ये देखिए एक रो है ये ये दूसरी रो है मतलब दो रोज में अरेंज किया है और तीन कॉलम्स में भी अरेंज कर रखा है तीन कॉलम्स मतलब एक कॉलम ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम ठीक है की वैल्यू क्या होगी हमने वर्ड यूज किया ना एम रोज एम रोज मतलब एम रोज होंगी ठीक है ना तो यहाँ कितनी रोज है दो रोज है एक ये वाली रो एक ये वाली रो तो एम की वैल्यू क्या है टू है ठीक है और एन क्या है एन है तो एन की वैल्यू क्या होगी जितने कॉलम होंगे वन टू थ्री तो थ्री कॉलम है तो इसमें एलिमेंट्स कितने बने इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं ही होंगे. M N, मतलब कि six. तो होंगे तो यही कहा गया है सिस्टम का एमक्रोस एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इनको हम अंदर वाले जो भी एलिमेंट्स कहेंगे ठीक है जिनको हमने अरेंज किया कितनी रोज में एम रोज में ठीक है एम का मतलब यहाँ कितनी रोज है टू रोज है ठीक है ये आप जिस सिस्टम देखो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टू मल्टीप्लाई बाय थ्री है टू आपका होता है नंबर ऑफ रोज थ्री आपका क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है इसलिए हमने कह दिया एम क्रोस एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो मतलब कि M नंबर ऑफ रोज को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ कॉलम से तो आपके पास क्या जाएगा? आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे इस मैट्रिक्स के अंदर इसलिए हमने कहा है कि एम क्रॉस एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हमने एम रोज और एन कॉलम्स में अरेंज कर रखा है और इसको हम क्या कहेंगे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर मतलब टू मल्टीप्लाई बाई थ्री ठीक है कितने रोज हैं टू रोज हैं और थ्री कॉलम्स हैं तो ऑर्डर क्या होगा टू इन थ्री ऑर्डर है ठीक है टू इंटू थ्री ऑर्डर ये मैट्रिक्स है ठीक है तो ये आपकी होती है मैट्रिक्स होती है एक तरह की अरेंजमेंट होती है नंबर्स की या फिर एलिमेंट्स की बीच में कितने नंबर हो, होते हैं एम क्रॉस एन नंबर होते हैं एम क्रॉस एन का मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इतने नंबर्स होते हैं मतलब कि रोज और कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को तब आपके पास अंदर के एलिमेंट्स आ जाते हैं ठीक है तो इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक सिस्टम है एम क्रॉस एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का तो यही लिखी हुई डेफिनेशन अ सिस्टम ऑफ ऑफ क्रॉस एलिमेंट्स इन रोस एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ये कौन सी मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी क्या है एम क्रॉस एन ही है ठीक है एम यहाँ क्या है टू है एन क्या है थ्री है तो ये आपकी मैट्रिक्स है जो मैट्रिक होती हैं वो भी फर्दर उसके भी टाइप्स होते हैं उन टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं अब हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की आपकी जो मैट्रिक हैं वो भी फर्दर उसके भी टाइप्स होते हैं तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है रो मैट्रिक्स तो रो मैट्रिक्स क्या होती है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो ठीक है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो डेफिनेशन क्या लिखोगे मैट्रिक्स इज सेट टू बी रो मैट्रिक्स इफ़ एम इज इक्व टू वन एंड एन ग्रेटर दैन वन एम का मतलब क्या है नंबर ऑफ रोज मतलब कि नंबर ऑफ क्या होंगी वन होगी और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो वन से ज्यादा होने चाहिए और कितने भी हो सकते हैं ठीक है नंबर ऑफ कॉलम चाहे जितने मर्जी हो बट जो रो होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये आपकी मैट्रिक्स है ये मान लेते हैं वन कोमा टू कोमा थ्री ये आपकी क्या है एक रो मैट्रिक्स है कितनी रोज है इसमें एक ही है और कॉलम कितने हैं एक दो तीन ठीक है ना तो कॉलम जितने मर्जी हो रो आपकी एक होनी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स भी ऐसी होती है जिसमें रोज जितनी मर्जी हो बट कॉलम एक ही होना चाहिए तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें रो कि कितनी भी हो मतलब कि एन एम की वैल्यू वन से तो बड़ी होनी चाहिए ठीक है एम की वैल्यू क्या हो वन से बड़ी हो बट जो एन की वैल्यू है हो, वन होनी चाहिए एन की वैल्यू वन होने का क्या मतलब है कॉलम वन और रोज वन से जितनी मर्जी हो सकती हैं ठीक है वन से बड़ी जितनी मर्जी तो फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री हमने ये आपका कॉलम हो गया रोज कितनी है एक दो तीन ठीक है और कॉलम कितना है एक ही है ठीक है इसको हम क्या कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है जो नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए ना नंबर ऑफ रोज वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होने चाहिए ठीक है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो इक्वल ना हो ठीक है ये जैसे ये रो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्या है इक्वल नहीं है ना एन की वैल्यू सॉरी एम की वैल्यू यहाँ वन है और एन की वैल्यू वन से बड़ी लेनी है हमने तो ये एक तरह की क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप देख भी सकते हो एक तरह का की तो बन रहा है तो एक तरह की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी सिमिलरली यहाँ भी एम और एन जो है इक्वल नहीं है इसलिए ये भी एक तरह की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो आप ये भी कह सकते हो कि रो और रो और कॉलम मैट्रिक्स क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है यहां रोज कितनी है वन वन और टू दो रोज हैं ठीक है थीके? और कॉलम कितने हैं वन टू और थ्री हैं तो ये टू इंटू थ्री की मैट्रिक्स है ठीक है इसका ऑर्डर क्या है टू इंटू थ्री वाली मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर निकालोगे तो ये कितने आएंगे कितने रोज हैं थ्री हैं थ्री इंटू कॉलम कितने हैं वन थ्री इंटू वन इसका जो आप ऑर्डर लिखोगे तो क्या आएगा इसका ऑर्डर आएगा ए, रोज कितनी है एक है इन टू कॉलम कितने हैं थ्री है तो वन इन टू थ्री ऐसे आप साइड में ऑर्डर भी लिख सकते हो ठीक तो है, है, है. है, है तो यहाँ आप देख सकते हैं एम और एन जो है इक्वल नहीं है एम यहाँ टू है एन क्या है थ्री है तो इसका मतलब एम और एन इक्वल नहीं है तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये क्या है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे बना दिया यहाँ रोज कितनी है One, two, तीन रोज है मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने हैं एक दो कॉलम दो है ठीक है मतलब इसका ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का तो ये आपकी रिटेंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें एम नॉट इक्वल टू एन हो स्केयर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है नेक्स्ट आपका है स्केयर मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसमें एम जो हो वो एन के इक्वल हो ठीक है मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो इक्वल हो जैसे ये एग्जाम्पल है इसमें रोज कितनी है एक दो दो रोज हैं कॉलम कितने हैं एक दो दो ही कॉलम है तो टू क्रॉस टू की ये औ, मतलब कि टू क्रॉस टू ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है जिसमें एम एन के इक्वल है मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी स्केर मैट्रिक्स होगी नेक्स्ट आपकी है डायग्नल मैट्रिक्स डायग्नल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो सभी एलिमेंट्स क्या हों जीरो हों ठीक है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हों बस जो डायगनल वाले एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये डायगनल वाले एलिमेंट्स हैं ये जीरो ना हो ठीक है इन डायगनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जीरो हो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं फॉर फॉर एग्जाम्पल ये वाली मैट्रिक्स है इसमें देखिए डायगनल एलिमेंट्स कौन है मतलब की जो डायगनल बना रहे हैं एक तरह का वन टू और थ्री डायगनल एलिमेंट्स है ये जीरो तो नहीं है ना ये वन टू थ्री है और बाकी सभी एलिमेंट्स देख लीजिए ये सारे क्या है जीरो है तो इसको हम क्या कहेंगे डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे नेक्स्ट है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है बस जो इसमें आपके जो एलिमेंट्स है मतलब जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ठीक है वो वन 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 होते हैं ठीक है जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो वन 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 ही होने चाहिए मतलब कि वन ही होने चाहिए ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हों जीरो हों बस डायगनल एलिमेंट्स जीरो ना हों जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है कि जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों ठीक है बट जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो हों तो नॉन जीरो बट इक्वल टू वन भी हो ठीक है इक्वल टू सिर्फ वन ही हो सकते हैं डायगनल में तो कोई भी हो सकता था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए बी सी डी ठीक है इसमें सिर्फ वन 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 ही होने चाहिए डायगनल एलिमेंट्स ठीक है नेक्स्ट 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 है आपकी नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके जीरो के इक्वल हो तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ देखिए जीरो 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 है ना तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है एक नल मैट्रिक्स है अब हम देखते हैं कि हम दो मैट्रिक को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है म अब हम सीखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो मान लेते हैं आपके पास दो मैट्रिक्स मैट्रिक हैं जैसे कि एक मैट्रिक्स है आपकी ए बी सी डी ई और एफ ठीक है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है दूसरी मैट्रिक से जैसे कि जैसे कि जी एच और आई से ये आपकी एक मैट्रिक्स है एक आपकी ये मैट्रिक्स है इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो ये वाली मैट्रिक्स है मतलब कि इन दोनों में से जो कोई एक मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं तो देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और थ्री हैं ठीक है और रोज कितनी है one, और है. मतलब कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ऑर्डर की है columns, है नंबर नंबर ऑफ ऑफ में कॉलम्स ठीक तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं थ्री है अब देखिए इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है एक दो और तीन है तो थ्री मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स वन है ठीक है तो ये थ्री क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है अब जो ये मैट्रिक्स है इसके जो कॉलम्स हैं वो इस मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है इसका मतलब ये दोनों अब क्या हो सकती हैं मल्टीप्लाई हो सकती हैं ठीक है थीके? तो ऐसे वही दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकती हैं जिनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो ठीक है दोनों के एक मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज हैं वो दूसरी मैट्रिक्स मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए तभी वो मल्टीप्लाई एक दूसरे से हो सकती हैं ठीक है अब ये एक दूसरे तो से मल्टीप्लाई हो सकती है ठीक है तो कर देते हैं कैसे करेंगे ये देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है ये फर्स्ट रो ठीक है और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ए ही कॉलम है वैसे तो इसमें फर्स्ट रो और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि ए को हमने मल्टीप्लाई किया जी से तो ये ए जी हो गया प्लस बी को करा करा एच से तो बी एच हो गया प्लस सी को आई से करा तो सी आई हो गया ठीक है सिमिलरली अब जो सेकेंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की उसको भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा डी इंटू जी डी जी प्लस ई इंटू एच ई एच प्लस एफ इंटू आई एफ आई तो ये आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई ठीक है मल्टीप्लिकेशन के बाद तो ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है वन टू थ्री फोर और एक मैट्रिक्स आपके पास है ए बी सी डी ठीक है ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू ऑर्डर की है ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू ऑर्डर की है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं टू हैं इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है टू हैं मतलब कि इसके कॉलम और इसके रोज क्या है इक्वल e है इसलिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसकी फर्स्ट रो ठीक है और इसका फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा ए प्लस थ्री इंटू सी थ्री सी ठीक है अब यहाँ दो कॉलम है यहाँ तो सिर्फ एक ही कॉलम था ना इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया बट यहां देखिए यहाँ दो कॉलम्स हैं ये भी और ये भी है इसका मतलब ये हमने पहले इससे मल्टीप्लाई किया था अब इसको हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है और यहां भी हमें नई मैट्रिक्स का एलिमेंट मिलेगा ठीक है तो इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बी वन इंटू बी बी और थ्री इंटू डी प्लस थ्री डी ठीक है अब सेकेंड रो की तरफ चलेंगे सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम तो टू इंटू ए टू ए प्लस फोर इंटू सी फोर सी सिमिलरली इसको भी से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम कॉलम से से ठीक ठीक है है रो को तो 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 ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको एक मैट्रिक्स की रो लेनी है और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेना है ठीक है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो प्लस में लिख दो तो ये थी आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कि आपके पास दो इक्वेशन है ठीक है जैसे कि हम मान लेते हैं आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू और एक इक्वेशन एक है आपके पास एक्स प्लस वाई एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू थ्री इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे ठीक है इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो देखिए जो ये इक्वेशन है ना इसको आप ऐसे लिख सकते हो सबसे पहले तो आपको

वो है एक टू है एक थ्री है तो इसको लिखोगे टू और थ्री तो ऐसे आप किसी भी भी इक्वे, दो इक्वेश को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि जब आप इन दोनों का आपस तो में मल्टीप्लाई करवाओगे ना मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स को तो वो इसके इक्वल ही आ जाएगा मतलब ये यही बन जाएगा जैसे कि देखिए मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस, इस, इस मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे ठीक है तो ये रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देते हैं वन इंटू एक्स एक्स वन इंटू वाई प्लस वाई सिमिलरली यहाँ एक, एक ही कॉलम था इसलिए ये हो गया खत्म यहाँ अब दूसरा दूसरी रोड लेते हैं इस मैट्रिक्स की उसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वन इंटू x एक्स टू इंटू वाई टू वाई ठीक है और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है टू बाई थ्री चल रहा है अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है

फॉर्म में लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में तो ये था आपका सारा मैट्रिक्स मैट्रिसेस के बारे में कि क्या होती है क्या टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो को हम कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है